हजारों की तादाद में मोबाइल उपभोक्ता बीएसएनएल पोर्ट करवा रहे वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस जियो सहित अन्य निजी मोबाइल कंपनियों को छोड़कर लोग अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं, क्योंकि इन निजी मोबाइल कंपनीज के नेटवर्क सेवा से परेशान होकर उपभोक्ता अब केंद्र सरकार के बीएसएनएल मोबाइल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे बीएसएनएल की आय में भी इजाफा हो रहा है। बीएसएनएल का नेटवर्क, बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे लोग, चालू देखना है। निजी ऑपरेटर से लूट परेशान, निजी मोबाइल कंपनियों को छोड़कर उपभोक्ता अब बीएसएनएल सेवा के लिए अपने नंबर पोर्ट करवा रहे हैं। मोटे आंकड़ों के मुताबिक बीएसएनएल पर पोर्ट होकर हर महीने 10,000 से ज्यादा उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। आंकड़ों से उत्साहित बीएसएनएल बाजार में अब 5G आने पर इस सुविधा को भी लॉन्च करने की तैयारी में है। 5G कमेटी में अब बीएसएनएल से भी प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। इस महीने में अभी करीब हमारे 16,000 ऐसे कस्टमर हैं जो एडिशनली हमारे पास आए हैं। जाने वाले कस्टमर अगर हम बात करें तो करीब 12,000 के आसपास हैं, आने वाले कस्टमर 28,000 के आसपास हैं। ये भी मान्यता हो जाएंगे उसके बाद ये 5G आएगी, लेकिन बीएसएनएल रोल आउट के अंदर 5G में भी अपार ही रहेंगे। राजस्थान मंडल बीएसएनएल से मोबाइल उपभोक्ता जुड़ने से बीएसएनएल का शेयर बाजार भी 2% बढ़ा है। 31 मार्च तक बीएसएनएल का शेयर बाजार 10.2 था, लेकिन अब शेयर बाजार 2% बढ़ने से 12.2% हो गया है। ये बीएसएनएल के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। अब जरूरत है केंद्र सरकार को बीएसएनएल को और मजबूत करे, ताकि प्रदेश और देश में उपभोक्ताओं को दूसरी निजी कंपनियों के सर्विस नेटवर्क से परेशानी नहीं उठानी पड़े। जयपुर से जी मीडिया के लिए दामोदर प्रसाद की रिपोर्ट।